business. Now here you will see different characteristics of business like objective of profit, exchange of goods, risk and uncertainty, creation of utility, continuous of activity, and economic activity. Now first is objective of profit. Now you know every business starts with the motive of earning profit. Only businessman can become main or purpose of that profit on working. Though social service, welfare of people, ये सब उनके secondary objectives होते हैं, but यहाँ पर profit earn करना उनका main objective है. Profit is the barometer of business. Without profit, a business cannot run. It may happen कि profit होता है, फिर थोड़ा time loss होता है, फिर वापस profit, continuous profit नहीं भी हो सकता है, but without profit, a business cannot run. So profit is the first and foremost objective of starting a business. Next is exchange of goods. Now we know that in business there is an exchange of goods and services, mutual exchange between the buyers and sellers. Goods or services were exchanged within our business nature that buy to seller share what the goods sell karenge aur wo goods ka se jayega seller ke paas se jayega buyer ke paas and uske badle mein buyer goods ko payment karega. For example, a furniture making company, table, chair, doors etc. they are making. तो जो सेलर है वो डोर्स डाइनिंग टेबल या कुछ भी है तो वो सेलर को बायर को सेल करेंगे, बायर उसको पहले में पेमेंट करेगा. तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस. जो गुड्स है, जो फर्नीचर है, वो सेलर के पास से किसके घर पे है, बायर के घर. एंड सेम थिंग इज इन केस ऑफ सर्विसेज. सर्विसेज कैसे एक्सचेंज होती है? इलेक्ट्रिकल कोई कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल की मिक्सर ग्राइंडर है, ब्लेंडर है, राइट? तो वो थोड़े टाइम के बाद जो बिगड़ गया, उसकी वारंटी पीरियड में चला गया और वो बिगड़ गया. अब क्या करेंगे? द सेलर, द कस्टमर, द बायर विल गो टू द सेलर, उसके पास से रिपेयरिंग करवाएंगे. तो सर्विस आल्सो इज बीन गिवन बाय द सेलर टू द बायर लाइक दिस. सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस इन द बिजनेस. थर्ड इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. नाउ देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिस्क इन द बिजनेस. इट मे हैपन 2019 में प्रॉफिट हुआ, 2020 में उससे ज्यादा प्रॉफिट हुआ, 21 में लॉस हुआ बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. यू नो ऑल सिचुएशन इज दैट कोविड 19 की वजह से बहुत जगह से जगह पर लॉकडाउन आ गया है. तो इट मे हैपन कि बिजनेस जब उस टाइम पर स्टॉप हो जाए या फिर कम हो जाए बिजनेस बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन सिचुएशन इन द कंट्री. सो रिस्क इन अनसर्टेनिटी इज मोर इन बिजनेस. जितना ज़्यादा बिजनेस स्प्रेड होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा और उतना ज़्यादा रिस्क भी होगा. इट मे हैपन समटाइम्स गुड सेल ना हो, मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो जो कोई बिजनेसमैन 10 रुपीज में सेल करता है प्रोडक्ट, उसके साथ में सेम प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड बाय द अदर बिजनेसमैन 8 रुपीज. सो बिकॉज ऑफ दिस कटथ्रोट कॉम्पिटिशन कोई सेल ना भी हो सकता है प्रोडक्ट. सो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इज हायर इन बिजनेस. सेम थिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फार्मिंग है, फार्मर्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ग्रो करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, बट इट मे हैपन कि टाइम ऑफ मॉनसून इज नो रेन या फिर बहुत कम रेन आती है, लेस रेन, तो देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ ग्रोइंग द क्रॉप्स इन द फार्म्स. नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. नाउ हियर देयर आर थ्री यूटिलिटीज, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी. Now first of all, form utility. It means the product is converted from one form to the other. The raw material available है, इसके हम finished goods बनाते हैं. This is known as form utility. कोई भी product है उसका form convert हुआ, वो पहले raw material form में था, अब finished goods form में आ गया. For example, furniture. उसका raw material क्या है? Wood. Wood is converted into table or chair. Next is cotton shirt. आप जो cotton shirt पहनते हो, cotton clothes पहनते हो, सबसे पहले वो एग्रीकल्चर में ग्रो होता है, कॉटन क्रॉप्स ग्रो होता है, तो रो मटेरियल फॉर्म में होता है, उसके बाद वो फिनिश गुड्स ड्रेस या शर्ट या उसमें कन्वर्ट होता है. नेक्स्ट इज टाइम यूटिलिटी. नाउ टाइम यूटिलिटी मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, दैट द प्रोडक्ट व्हेन इट इज द नीड ऑफ द प्रोडक्ट दे आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट. जब वो प्रोडक्ट की जरूरत है तो उसको स्टोर करके रखते हैं, दैट इज नोन एज टाइम यूटिलिटी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम. फॉर एग्जाम्पल वुलन क्लोथ्स, उसकी जरूरत कब होती है? टाइम ऑफ विंटर सीजन. सो बिफोर फ्यू मंथ्स, बिफोर वन और टू मंथ्स ऑफ द विंटर सीजन द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन द मार्केट. जैसे ही विंटर सीजन खत्म हो जाए तो वुलन प्रोडक्ट्स आप स्टोर करके रख देंगे.
That is known as time utility. Next is place utility. A place मतलब क्या है? वो materials है, वो बंदे हैं, वो आप agriculture में होते हैं. Agriculture field से जाता है industrial field में. वहाँ से जाता है market में. So the raw materials are being transferred from one place to another. Cotton में agriculture farm में भी हो रहा है. Agriculture sector में चल जाएगा, industrial sector production के लिए. वो finished goods बन गया है. उसके बाद market में sell करने के लिए जाएगा. So it is being sent from one place to another. That is known as creation of utility. Next is continuous of activity. Now business is a continuous activity. It does not stop. People just go to the door, but we uncomplete business. Our business बंद कर देंगे. आराम से घर पे बैठे रहेंगे. No sell, no business में ना seller वो think like this. उनका main आप लोगों को हमेशा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा profit earn करना. So he will not stop his business. Business is a continuous activity. And last one is economic activity. As we have studied in the first part of the session of the chapter 1, that economic activity, business is an economic activity. Economic activity मतलब क्या? उनका earn जो main aim होता है वो है profit earn करना. And business का तो main aim profit ही है, जैसा हमने study किया first characteristic में. So business is an economic activity. So there are these are the characteristics of business. Then we switch on to the objectives of business. Now there are two parts in the objectives: economic objectives and social objectives. Economic, now finance के नाम पर हम बात करें तो दो objectives हैं profit, वो हमने study किया first characteristic में, फिर wealth maximization, that is to earn maximum profit, maximum wealth. तो जैसे मैंने बोला कि business में कभी stop नहीं होता, every year it grows on, every year it gets developed. Business में इतना meaning नहीं होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा profit earn करे, wealth ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी करे. He tries to earn the maximum profit every day. कल है तो 5,000 का profit हुआ, फिर आज है वो 1,000-2,000 का profit earn करने का उनका aim होता है. कल है वो बोले 50,000 का profit earn करने का उनका main aim होता है. तो like this the business gets developed. As and when the business maintains that profit, I want to earn more and more profit. तो ज़रूर ज़रूर profit earn करने के लिए और ज़रूर मेहनत करेगा. 2018 years में उन्होंने 2 lakh rupees profit earn किया. 2019 में उनसे भी लगी नहीं, मुझे ज़्यादा profit earn करना है, तो double profit earn करेगा, 4 lakh rupees. 2020 में वो 5 lakh rupees earn करेगा. He will try to earn more and more profit and maximize the wealth in the 2020 window. So the main objective of economic objective of business is to this profit and maximization of wealth. Now economic objectives हो गए दो, उसके बाद है social objectives. अब business हाँ दो उनका main motive होता है profit, but वो society के बारे में भी सोचते हैं कि भाई society में उनको ज़्यादा उनको उनके पास ज़्यादा पैसे ना हो, extra profit ना हो उनके पास से, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स में उनको सेल करूँ. सोसाइटी से रिलेटेड उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. देयर इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस. नाउ फर्स्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ कोई भी बिजनेस में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, बट डज दे नॉट जस्ट चीट द कस्टमर्स, कि वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट सेल ना करे, कस्टमर को चीटिंग करे, ऐसा उनका मेन नहीं होता है. मेन ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने समझेंगे सोसाइटी के तरह की के लिए उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज ही फ्रॉम ही इज बोर्न इन बर्थ हैज टेकन बर्न इन सोसाइटी. सोसाइटी में रहना है, सबके साथ उनको रहना है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है. सो दैट मीन एम शुड बी कस्टमर सेटिस्फैक्शन. So a social responsibility of the business is that to take care of the people of society. Employment opportunities. उनका objective होता है कि employment opportunity भी generate कर रहा है. एक for example, Reliance company, Tata company, Birla company, इतने सारे spread of business किया है. तो it's but obvious that they will employ more amount of people. So like this employment will be increased in the country. हमारे कंट्री की दो प्रॉब्लम्स हैं, मेन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एंड दे बोथ आर इंटरलिंक्ड. लोग पुअर है,
these two are interrelated. So generating employment opportunities should be the name of the business. Then quality goods and services. Unka ye aim bhi hona chahiye that we should be providing quality goods and services to the society. Aisa nahi hona chahiye social care ka suppose uske business ki monopoly ho to bahut high price pe apne products sell karenge, koi bhi low quality ke products sell karenge to chalega. No, he should be selling the best quality products and services. और उसके हिसाब से उसको चार्ज करना चाहिए. ही शुड बी नॉट चीटिंग द कस्टमर. कि भाई जो पुअर पीपल है उनको लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे तो वो चलेंगे. इट शुड नॉट बी डन लाइक दिस. यू शुड बी सेलिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू सोसाइटी. क्योंकि सोसाइटी के लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो उसका बिजनेस नहीं चलेगा. एंड द लास्ट वन इज फेयर ट्रेड प्रैक्टिस. नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव. जो ट्रेड प्रैक्टिस मतलब जो बिजनेस कर रहा है वो फेयर होना चाहिए. विदाउट एनी चीटिंग, विदाउट नॉट फॉलोइंग रूल्स रेगुलेशन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बिजनेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, एथिक्स है, रूल्स रेगुलेशन है वो उसको ब्रेक करे. ही शुड बी फॉलोइंग ऑल द रूल्स रेगुलेशन. ही शुड बी फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट. ही शुड बी फॉलोइंग द एथिक्स एंड देन आफ्टर ही शुड कंटिन्यू विद हिज बिजनेस. मेंबर कस्टमर को चीट करना, उनको घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट सेल करना, उनको आफ्टर सेल सर्विस मत नहीं देना, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दिखाना, ये उनका एम नहीं होना चाहिए. सो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. थैंक यू ऑल.